स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आपकी नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। कल की तारीख पे आपके 7 अक्टूबर 2023 को आपकी कृषि विभाग, उद्यान और पशुपालन विभाग हेतु समूह की जो भर्ती है वो आई हुई है दोस्तों, जिसमें आपके 645 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप, और अंतिम तिथि है आपकी 27 अक्टूबर 2023 तक। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या सिलेबस है, क्या आयु है। तो ये है दोस्तों, पहले आपका रिक्ति का विवरण है। पहला है आपका पदनाम है सहायक कृषि अधिकारी, जिसमें पदों की संख्या है 354 है, जिसमें जनरल के टोटल पद हैं 214, अनुसूचित जाति के हैं 75, अनुसूचित जनजाति के हैं 16, ओबीसी के हैं 26 और ईडब्ल्यूएस के हैं 23। ठीक है, महिलाओं के भी देख सकते हैं आप। और इसमें जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो आपको ग्रेजुएशन चाहिए एग्रीकल्चर में। ठीक है, और अधिमानी अर्हता भी देख सकते हैं आप। इसमें अगर आपको प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेना की सेवा की हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट है, तो आपको अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 21 से आपके 43 वर्ष तक होगी, और गणना आपकी शायद 1 जुलाई 2023 को के अनुसार की जाएगी। ठीक है, दूसरा पद है उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग, उद्यान विभाग यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो इसमें पदों की संख्या है आपकी 245, और इसमें अगर जनरल की बात करें तो 130 पद हैं। पद दोस्तों काफ़ी अच्छे पद आए हैं। अनुसूचित जाति की है 47 और अनुसूचित जनजाति की है 10 और ओबीसी की है 34। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की है 24 और टोटल 245 हो गया। अगर इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो बीएससी अगर आपकी जेडबीसी के साथ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएससी आपकी एग्रीकल्चर कृषि के साथ है, या फिर बीएससी आपकी हॉर्टिकल्चर के साथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अधिमान्य अर्हता सेम है और आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से 43 वर्ष। अगला है पदनाम उद्यान निरीक्षक वर्ग। ठीक है, उद्यान विभाग, पदों की संख्या 27, जनरल के कितने हैं, अनुसूचित जाति के आप देख सकते हैं, कुल आपके 27 पद हो गए। इसमें आपके पास जो शैक्षिक अर्हता है जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, जिसमें आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी या फिर जूलॉजी जिसे आप कहते हैं वो आपका एज ए सब्जेक्ट हो, और बीएससी आपकी कृषि या फिर एग्रीकल्चर में हो, इन दोनों में से किसी एक में हो, तो आप क्या बोलते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आयु आपकी 21 वर्ष से 43 वर्ष दी गई है। वेतनमान आपका 29,200 से लेके 92,300, लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, अगला पद है दोस्तों सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग, वनस्पति विज्ञान यानी उद्यान विभाग। उद्यान विभाग, अच्छा, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, पदों की संख्या होगी आपकी 3, 2, 1। तो इसमें आपका अधिमानी अर्हता होगी एमएससी आपकी उद्यान विभाग यानी बाय बॉटनी में, एमएससी सब्जी विज्ञान या फिर इसमें। ठीक है, एनसीसी का बी अथवा सी सर्टिफिकेट, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 43 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बीएससी आपकी जीव विज्ञान समूह या फिर बीएससी आपकी कृषि में होनी चाहिए। एमएससी जो है आपकी वो अधिमानी अर्हता जो है वो उद्यान विभाग में होनी चाहिए। आयु न्यूनतम 21 और अधिकतम 43 वर्ष। ठीक है, अगला है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी, इसमें 2 पद हैं आपके और एक पद है ओबीसी का, एक पद है अनुसूचित जाति का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है। उसके बाद चारा सहायक ग्रुप, इसमें भी 3 पद हैं आपके। उसके बाद है पदनाम चारा सहायक ग्रुप, इसमें भी 5 है। पशुपालन विभाग, इसमें आपकी बीएससी कृषि में होनी चाहिए। ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो गए हैं और शुल्क में आपको छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। दो पेपर होंगे आपके। प्रश्न पत्र फर्स्ट है आपका, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के साथ 100 प्रश्नों की संख्या होगी और अधिकतम अंक 100 होंगे और समय अवधि आपकी 2 घंटे होगी। ठीक है, और दूसरा प्रश्न पत्र जो है आपका वैकल्पिक विषय है, जिसमें आपने या तो कृषि कृषि देना है या जीव विज्ञान का देंगे आप पेपर, या उद्यान, किसी एक विषय पे 200 प्रश्नों की संख्या होगी और 200 अधिकतम अंक होंगे और 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। ठीक है, अगर पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस की बात करें तो ये आपके पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस हो गया, जिसमें कंप्यूटर से आधारित प्रश्न होंगे, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रश्न होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जननांग की समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांग की, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी आपके कम से कम 30 नंबर का उत्तराखंड रहेगा और 10 नंबर का कंप्यूटर और बाकी बचा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी ए और आपका रीजनिंग। ठीक है, और जो आपका सेकंड पेपर है उसमें ये हो गया आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी का सिलेबस हो गया। उसके बाद ये आपका जियोलॉजी का सिलेबस हो गया, ये आपका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस हो गया, बस आपका इतना ही है। यह आपके आरक्षण के बारे में है, जिसमें 45% लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक, आपको न्यूनतम इतने प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा, ठीक है, पास होने के लिए। यह आपके सेंटर हो गए जहाँ जहाँ आपका परीक्षा होगी। ठीक है, तो 13 सेंटर है, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 सेंटर हैं। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसमें उत्तराखंड की तैयारी कर जाती है, और अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।